जी देखिए, उन्होंने बहुत गंदी सी हरकत की है जो शायद मैं नहीं होती अगर मेरे साथ किया है. मैंने तो इतना नहीं कुछ किया उनके लिए, लेकिन कोई और लड़की होती तो डेफिनेटली इससे बड़ा एक्शन लेती और ज़्यादा चीज़ें बोलती उनके बारे में. बट ये मेरी सभ्यता है और जिस तरह से मैं बिहेव करती हूँ, मैंने बहुत कम रिएक्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है. बट बहुत घटिया हरकत थी जहाँ पे एक लड़की के बारे में आप इस तरह की बात बोल रहे हैं कि उसके साथ स्विमिंग पूल में नहाने के एक छोटे बच्चे से बुलवा रहे हैं. ये सही नहीं लगा मुझे एंड सही नहीं है. तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया है. बहुत सारे मेरे जो सपोर्टर्स हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने बहुत ही ऑब्जेक्शन उठाई इस बात. जब मेरी दीपक से बात हुई थी तो दीपक ने मुझसे काफ़ी माफ़ी मांगी इस बात के लिए, लेकिन वो माफ़ी भी इस तरह से थी कि उसमें भी एक तरह का एटीट्यूड था. उन्होंने एक अपॉलोजी एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया और उसके बाद उसको निकाल भी दिया. एंड देन वो कहते हैं कि जसलीन एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही है. तो भाई ये कहाँ से पब्लिसिटी स्टंट हो गया, जहाँ मैंने कोई पहल नहीं की है. आप मुझ पर वीडियो बना रहे हो, आप मेरे बारे में बातें कर रहे हो और सडनली मुझे कह रहे हो कि जसलीन एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही है. आई एम सॉरी, मैं आपका नाम भी नहीं लेती कहीं पर. सो या नमस्कार, प्रणाम, सलाम दोस्तों. देखिए, हम बताना चाहते हैं कि हम एक बहुत ही साधारण देसी और नॉर्मल सा इंसान है, मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले आदमी हैं और किसी परिवार में पले बढ़े हैं वैसे ही पले बढ़े हैं. तो हमने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि वो फनी वीडियो था जो कि बिग बॉस वाला था, कि उसमें मेरा एक छोटा सा भाई था. हम उससे पूछ रहे हैं कि ये बैग लेके बिग बॉस में जाओगे और ऐसे करके एक वीडियो था. तो उसने बोला कि जसलीम के साथ स्विमिंग पूल में लाएंगे. उसने जसलीम बोला था और वो एक फ़नी वीडियो था जो कि फ़नी वे में जो कि बोला गया. और चूंकि बहुत लोगों ने उसको मतलब देख लिया, पसंद किया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि किसी का भी किसी का बेइज्जती करना, किसी को हर्ट करना, एक महिला का डिसरेस्पेक्ट करना. चूंकि हमारी खुद दो बहन है तो हम बहुत कायदे से और बहुत अच्छे से और सलीके से जानते हैं कि कैसे मतलब उस चीज़ को, उसकी इज्जत की जाती है और उसको कैसे मतलब दिल से कदर किया जाता है. हमने एक वीडियो बनाया, वो पोस्ट किया, नॉर्मल सा वीडियो था, लेकिन फिर भी किसी की भावनाएं हर्ट हो गई. और उससे हमको पता चला, अभी फ़ोन आया कि जसलीन जी ने केस मतलब वो उनको बुरा लगा बहुत और वो केस वेस थाना वाना कर रही हैं ये सब. तो इस चीज़ के लिए हम जेन्युइनली सॉरी बोलना चाहेंगे. अगर वो हर्ट हुई हैं तो उनको दिल से सॉरी, लेकिन हमारा इंटेंशन नहीं था कि हम आपको हर्ट करें और आपको मतलब इस तरीके से आपके साथ मतलब आपका आपका सेंटिमेंट हर्ट हो जाए और हमने आपको डिसरेस्पेक्ट किया या ऐसा कुछ. और अगर ऐसा उनको कुछ होता तो मेरे हिसाब से उनको पर्सनली हमको बोलना चाहिए था. मेरा नंबर है उनके पास कि दीपक हमको बुरा लगा है, तुम ये वीडियो डिलीट कर दो. ये सब ये पब्लिकली ऐसे करके मतलब ये केस वेस और ये सारा चीज़ ये पब्लिसिटी स्टंट, ऐसा ये सही बात नहीं है कि मतलब क्या मतलब क्या मतलब समझ में नहीं आया. लेकिन फिर भी उनको हमारी तरफ से सॉरी. और हम भी कलाकार हैं, वो भी कलाकार हैं. हम भी बड़ा मेहनत से पहुंचे थे बिग बॉस में, वो भी बड़ा मेहनत से पहुंची थी बिग बॉस में. और अगर मेरे इस एक्ट से उनको अगर बुरा फील हुआ हो तो जेन्युइनली आई एम फीलिंग सॉरी एंड हम सॉरी बोल रहे हैं उनको कि सॉरी अगर आपको मेरी इस वीडियो से, जो कि जसलीम बोला हुआ था जिसमें भी, आपको बड़ा बुरा लगा. और क्योंकि मेरे बारे में बहुत लोगों ने बहुत चीज़ बोला है, मेरे चेहरे के बारे में बोला है, बहुत कुछ बोला है मेरे बारे में भाई, नेशनल टेलीविजन पर बहुत कुछ बोला है. और हम एक जेन्युइन पर्सन थे, जेन्युइन बन के अंदर गए थे. बहुत लोगों के बारे में बहुत कुछ
थैंक यू, ये इसका पूरा श्रेय मेरे डिजाइनर को जाता है. अपर्णा कीटे, शी इज राइट हियर विद मी. थैंक यू डार्लिंग. ओके, सो जस्ट बताइए, आज की शाम के लिए कितने एक्साइटेड सबसे पहले? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे स्टाइल आइकॉन 2019 अवार्ड मिल रहा है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो अंदर भागने की तैयारी है बस मेरी. यू नो स्टाइल आइकॉन का अवार्ड मिल रहा है जी, तो सबसे पहले तो बताइए कि अपने स्टाइल के रिलेटेड कितनी ज़्यादा यू नो कॉन्शियस हैं? ऑनेस्टली मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं रहती. इससे पहले भी यू वोंट बिलीव मैं इतनी जल्दी तैयार होके निकली हूँ. ये मैं सिर्फ 45 मिनट्स में तैयार होके निकली हूँ, तो मैं इतना कॉन्शियस नहीं रहती. और जो मुझे मिल जाता है, जो मैं अपनी डिज़ाइनर पे पूरा भरोसा रखती हूँ, माई स्टाइलिस्ट एक्चुअली डिसाइड्स फॉर मी, एंड जो देती है मैं फटाक से पहन के बस निकल जाती हूँ. सो आई एम नॉट वेरी कॉन्शियस. अच्छे से खाओ, अच्छे से एक्सरसाइज करो और हमेशा मुस्कुराते रहो. जी, देखिए उन्होंने बहुत गंदी सी हरकत की है जो शायद मैं नहीं होती अगर मेरे साथ किया है. मैंने तो इतना नहीं कुछ किया उनके लिए, लेकिन कोई और लड़की होती तो डेफिनेटली इससे बड़ा एक्शन लेती और ज़्यादा चीज़ें बोलती उनके बारे में. बट ये मेरी यू नो सभ्यता है और जिस तरह से मैं बिहेव करती हूँ, मैंने बहुत कम रिएक्ट किया है मुझे ऐसा लगता है. बट बहुत घटिया हरकत थी जहाँ पे एक लड़की के बारे में आप इस तरह की बात बोल रहे हैं कि उसके साथ स्विमिंग पूल में नहाने के एक छोटे बच्चे से बुलवा रहे हैं. ये सही नहीं लगा मुझे एंड सही नहीं है. तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया है. बहुत सारे मेरे जो सपोर्टर्स हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने बहुत ही ऑब्जेक्शन उठाई है इस बात. जब मेरी दीपक से बात हुई थी तो दीपक ने मुझसे काफ़ी माफ़ी मांगी इस बात के लिए, लेकिन वो माफ़ी भी इस तरह से थी कि उसमें भी एक तरह का एटीट्यूड था. उन्होंने एक अपॉलोजी एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया और उसके बाद उसको निकाल भी दिया. एंड देन वो कहते हैं कि जसलीन एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही है. तो भाई ये कहाँ से पब्लिसिटी स्टंट हो गया जहाँ मैंने कोई पहल नहीं की है. आप मुझ पर वीडियो बना रहे हो, आप मेरे बारे में बातें कर रहे हो और सडनली मुझे कह रहे हो कि जसलीन एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही है. आई एम सॉरी, मैं आपका नाम भी नहीं लेती कहीं पर. सो या यस, बिल्कुल बिल्कुल. तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है उस चीज़ के लिए. एंड बट आई एम डूइंग टू फिल्म्स, दो मूवीज़ कर रही हूँ, एक गाना मेरा रिलीज होने वाला है. सो या कुछ और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बीच में और जो मैं आपको बताती रहूँगी. ओके, जसलीन आप बहुत ही हरी में हैं तो आप अभी जा सकती हैं. थैंक यू. जब आप अवार्ड ले लेंगे तब आपसे बात. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई थिंक वी गेटिंग एन अवार्ड फॉर द सॉन्ग, ये खुद ही बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं. या ऑफ कोर्स इट्स अ बिग सक्सेस एंड वी ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी. सबका बहुत अच्छा एफर्ट्स और इनपुट था और लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो ऑफ कोर्स हम बहुत खुश हैं. आज हमें अवार्ड मिल रहा है, सो इट्स द फर्स्ट टाइम मुझे पता भी लग रहा है कि किसी गाने को भी ऐसे अवार्ड मिलता है. मैं पहली बार, हमेशा सिर्फ अपने इंडिविजुअली अवार्ड्स के लिए अटेंड करती थी फंक्शंस, लेकिन आज पहली बार यू नो एक टीम वर्क के लिए और एक पूरे गाने के लिए अटेंड कर रही हूं. सो वेरी हैप्पी. मेरा तो फर्स्ट सॉन्ग था ये और फर्स्ट सॉन्ग में अवार्ड मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ. मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ के लिए
और आगे भी ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे और इंशाल्लाह बहुत सारे अवार्ड लेते रहेंगे। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, आई डोंट से कि वो बताता है कि यू नो एक एक्टर कितना वर्सेटाइल है और क्या क्या कर सकता है, बट आई थिंक ना वो मोटिवेट करता है, यू नो मतलब मुझे पर्सनली तो करता है, क्योंकि जब अवार्ड मिलता है तो आपको एक यू नो मोटिवेशन मिलता है, ओ आई गॉट एन अवार्ड, नाउ आई डू बेटर, इससे बेटर, इससे बेटर। सो आई थिंक वो एक फैक्टर होता है, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक्टर उसी से उसको पता लगे कि उसको अवार्ड नहीं मिला तो वो अच्छा एक्टर नहीं है, या फिर यू नो वो किसी से बेटर नहीं है या वो किसी से कम है, वो एक अवार्ड नहीं बताता, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स मोटिवेट करता है। ओके कॉपी पेस्ट, वेरी शाय शाय, सेम पिंच, शाय है या नर्वस है, दोनों। ओके सर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना मायने रखता है अवार्ड? आई थिंक हम सब ने इतनी मेहनत की है इस गाने को लेके, एंड आई थिंक जब आप बहुत मेहनत करते हो, आप किसी चीज़ की तरफ इमोशनल होते हो, तो जब आपको उस चीज़ के लिए अवार्ड किया जाता है तो इट रियली गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग। सो आई थिंक हम वो एक गुड फीलिंग सारे मिलके एंजॉय कर रहे हैं, एंड वी वुड लाइक टू स्पेशली थैंक आवर एंटायर टीम, यू नो हु इज़ बीन सपोर्टिंग अस फॉर दिस सॉन्ग, एंड जन्नत दैड इज़ हियर, जुबेर जी, मैम, श्रुति, एवरीवन। सो ये इनके बिना गाना अधूरा था। Sure, because इस बार ये वाले सॉन्ग के अंदर में था, अयान का भी पहला सॉन्ग था, गेस्ट ऑफ पेरेंट्स, अयान गेस्ट ऑफ पेरेंट्स, इट्स अ बिग थिंग, अयान, इट्स अ बिग थिंग, नाउ नेक्स्ट टाइम अयान भी देयर इन द फुल सॉन्ग, इज गोइंग टू डू फुल अपीयरेंस नाउ। ओके सर आपसे जानना चाहेंगे, फर्स्ट सॉन्ग उन्होंने इतना ज्यादा पसंद किया है, तो आगे कोई प्लानिंग चालू है? यस यस, वेरी सून वी आर गोइंग टू बी अनाउंसिंग, एंड इंशाल्लाह वी गुड बी डूइंग दिस फॉर श्योर, आप फिर से हम सबको साथ में देखेंगे, एंड जस्ट गॉड ब्लेस अस, थैंक यू। ओके बिसाइड्स दिस कोई सिंगर, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? या देयर आर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, आई थिंक ये मंथ तो खत्म हो गया, सो फर्स्ट, थर्ड, एंड आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड, ऑफ कोर्स यू गाइस गेट टू नो एवरीथिंग बिफोर आई गेट टू नो द कंफर्मेशन, बट स्टिल ऑफ कोर्स आई लव यू। अपकमिंग प्रोजेक्ट है अभी मैं उसको ओपन नहीं कर सकता, सपोर्ट करते रहिए आप लोग। Sure. मिल के बात करेंगे इवेंट के बारे में, इतना पता कि अवार्ड लेने आए हैं तो आप पूछेंगे मेरे से सवाल हमें। गाने के लिए मैंने कोई अच्छा गाना गाया होगा, कोई अच्छा गाना लग गया होगा इनको, और आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने मुझे चूज़ किया, और मैं और अच्छा गाऊंगा इस अवार्ड लेने के बाद। अच्छा, आई थिंक दरिया, अंजुआ द दरिया फ्रॉम द मूवी मनमर्जिया। ठीक है, मैं और सना दोनों साथ में गाएंगे। ओके, सारा जग छड़ के बस तैनू ही है चुनने या, सारा जग छड़ के बस तैनू ही है चुनने या, लख के या दिल नू पर फिर भी है लड़े या, हो बह गया हंचुआ दा दरिया। थैंक यू। हर गाने के लिए अफसोस है जिसके लिए दूसरों को अवार्ड मिला है। अब सारे गाने नहीं गा सकता मैं, लेकिन इतना है कि
मुझे मिल रहा है तो मैं सब दुख भूल गया अभी मैं। मौसम मूवी का एक सॉन्ग था एक तू ही जो मतलब ज़्यादा प्रमोट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था उसका। मेंढा तो है रब खो गया, मेंढा तो है सब खो गया, तेरिया मोहब्बत ने लुटी पुटी साइया, खाली हथ आइया मैं नन नन गाइया। मेंढा तो है, अब अवार्ड नहीं मिला तो मैं लाइन भी भूल गया देखो। थैंक यू सो मच। सना बताएंगे, सना इस बारे में बताएगी, अवार्ड मिलता है तो मतलब सर एक बार पूछिए वापस जी। I think it's very important because it just encourages you so much to do so much more in life. So I think it's just a must, you know, it gives you that boost and that you just get motivated. काफी अच्छे अच्छे आने वाले इस साल और आने वाले इतना पता है कौन से हैं वो। Thank you so much. Thank you जी। Okay.